हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी तरीके से दही पूरी। हेल्दी हम कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये टेस्टी दही पूरी हम कैसे बनाते हैं। दही पूरी के लिए हम तैयार करेंगे पूरी, क्रिस्पी पूरी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 1 कप आटा, गेहूँ का आटा। फिर डालेंगे हम 1 कप सूजी। उसके बाद हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। स्वाद के अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हम मैदे का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हेल्दी बना रहे हैं तो यहाँ पे हम गेहूं का आटा यूज़ करके डो तैयार करेंगे। डो हमें स्टिफ तैयार करना है तो धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और हमें कड़ा डो तैयार करना है, आटा गूंदना है कड़ा। तो देखिए ऐसे मसल मसल कर हमें आटा तैयार करना है, तो ऐसे तैयार कर लेंगे। जब आटा तैयार हो जाए, देखिए ये बहुत स्टिप बना हुआ है आटा, तो अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए। तो गीले कपड़े से इसको ढक देंगे और अलग रख देंगे रेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम तैयार करेंगे हरी चटनी। 1 मुट्ठी हम लेंगे हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया हम लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे छिली हुई गार्लिक, लहसुन डालेंगे 5 से 6, हरी मिर्च डालेंगे हम बड़े बड़े, मैंने यहाँ पे 2 डाला है, आप 4 इसमें डालिए। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच नींबू का रस। स्वाद के अनुसार हम डालेंगे नमक और फिर डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटे चम्मच। ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच पानी और उसके बाद फिर हमें इसको स्मूथ ब्लेंड कर लेना है, पीस लेना है। तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। सैंडविच बना रहे हैं तो आप उसमें भी आप ऐसे ही हरी चटनी बनाइए, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनेगी आपकी। किन किन लोगों का दही पूरी फेवरेट है कमेंट करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये लीजिए हमारी हरी चटनी रेडी है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, ये बहुत ही स्मूथ ब्लेंड हुआ है। अब हम बनाएंगे इमली की मीठी वाली चटनी। उसके लिए हम लेंगे 1.5 कप पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पेस्ट 1 बड़े चम्मच हम ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से पानी में मिला देंगे। जब इमली और पानी अच्छे से मिल जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। मेरे पास गुड़ का पाउडर है तो मैं यहाँ पे गुड़ का पाउडर डालूँगी। आपके पास ऐसे खड़ा गुड़ है तो उसको क्रश करके डालिए। 1.5 कप डालेंगे हम यहाँ पे, इसको हम पानी में अच्छे से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई पे रखे रहेंगे। जब अच्छे से मिल जाए ऐड करेंगे इसमें 1/2 छोटे चम्मच सौंफ, 1/2 छोटे चम्मच हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, भुना हुआ जीरा डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, नमक भी डालेंगे हम इसमें वो भी 1/2 छोटा चम्मच, और इन सारे को हम मिला लेंगे। और हमें ग्रेवी को थिक करना है मीडियम हाई फ्लेम पे और इसको हम चलाते हुए इसको पकाएंगे। जब अच्छे से थिक हो जाए, पक जाए, उसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे काजू और किशमिश डाल रही हूँ। मीठी चटनी हमारी रेडी है और आटे का भी 1/2 आवर हो गया है, तो चलिए आटे को देखते हैं। हमें आटे को 5 मिनट के लिए और गूंदना है, जैसा कि हमने स्टिफ आटा तैयार किया है। अभी बेलेंगे तो फिर ये फटने लगेगी, पूरी हमारी फूलेगी नहीं अच्छे से। तो इसको ऐसे हम मसल मसल कर और गूंद लेंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट गूंदने के बाद हम इसके छोटे पोर्शन निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए आटे को वेट क्लॉथ से ढककर रख देंगे ताकि इसका मॉइस्चर जाए नहीं। आटे का जो पोर्शन लिया है उसको हम पेरा बनाएंगे और फिर जिस प्लेटफॉर्म पे या किसी बोर्ड पे हमें बेलना है उसको हम ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको इवेनली बेलेंगे, बहुत ही पतला बेलना है हमको। ये आटा हमने करा गूंदा है इसलिए क्योंकि हमें बहुत ही क्रिस्पी चाहिए दही पूरी का पूरी। देखिए ऐसे ही पतला आपको बेल लेना है। एक ढक्कन लेंगे पूरी के साइज़ का, पानी पूरी के साइज़ का, और उसको कट कर लेंगे आटे को और साइड का जो पोर्शन है उसको हम निकाल लेंगे और जो हमने साइड में आटा रखा है ढककर वेट क्लॉथ से उसमें इसको मिलाकर इसको वापस से वेट क्लॉथ से ढक देंगे। अब हमें इसको डीप फ्राई करना है
आज मैं रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल में नहीं बल्कि सेसमे ऑयल में डीप फ्राई करने जा रही हूँ। वैसे तो मार्केट में कई सेसमे ऑयल अवेलेबल है, लेकिन मुझे B&B की रिफाइंड सेसमे ऑयल की टेस्ट काफ़ी पसंद है, क्योंकि B&B रिफाइंड सेसमे ऑयल प्रीमियम क्वालिटी के सेसमे सीड से बनाई जाती है, और वो भी लो टेम्परेचर पर, ताकि उसकी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड और बॉडी को मिल सके। B&B सेसमे ऑयल की और भी काफ़ी बेनिफिट्स है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल्स, जैसे कि ये नॉन स्टिकी है, नेचुरल फ्लेवर देती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उन्हें ये ऑयल ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसमें ट्रांस फैट बहुत कम है और खाने में ये कम ऑब्जर्व होती है। चलिए अब हम दही पूरी की पूरी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पे गरम करेंगे और एक एक करके सारी पूरी को डालेंगे। वैसे तो इस ऑयल की और भी बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद एक बार B&B की रिफाइंड सेसमे ऑयल ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपको कैसी लगी। पूरियों को हम बीच बीच में पलटते रहेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर ना दे दे। पूरी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम तैयार करेंगे इसकी फिलिंग्स। तो उसके लिए लेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए बॉयल्ड पोटैटो, आलू, ग्रेट किया हुआ डालेंगे कैरेट आधा, चॉप किया हुआ डालेंगे इसमें ऑनियन प्याज वो भी हाफ डालेंगे, एक छोटे चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला, स्वाद के लिए हम डालेंगे 1/4 छोटे चम्मच नमक और सबको अच्छे से मिला लेंगे। चलिए अब हम दही पूरी तैयार करते हैं। तो देखिए ये हमारी पूरी कितनी क्रिस्पी बनी है। इसमें हम एक एक करके फिलिंग कर लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे काबुली चना बॉईल किया हुआ, आप ब्राउन चने को भी बॉईल करके डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम डालेंगे मीठी दही, 1 कप के लगभग हम दही लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच डालेंगे चीनी, आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे हरी चटनी जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, मीठी वाली इमली की चटनी, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। स्प्रिंकल करेंगे हम चाट मसाला, रेड चिली फ्लेक्स, भुना हुआ जीरा पाउडर हम स्प्रिंकल करेंगे और स्वाद के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे सेव या आलू भुजिया और अनार, अनार के दाने हम डालेंगे और फिर एंड में हम इसको गार्निश करेंगे पुदीने के पत्ते से, मिंट के लीफ से। हमारी टेस्टी दही पूरी बनकर रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक मेरे वीडियो को ज़रूर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ऐसी ही टेस्टी, इजी एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।